मनेगी किद्दा नहीं जो उसनू वोट ही नहीं मिलेगी, जीतेगी किद्दा, मनेगी किद्दा नहीं जो सरकार मनेगी नहीं, जुत्तियां खाएगी लोगों तो। की प्रधानमंत्री साहब चंगे नहीं लगते? नहीं बस चंगे तो है गे, पर उन्होंने काम गलत ने, उन्होंने काफ़ी गलत कानून बनाए, हूँ उन्होंने कुछ नवे 3 कानून बनाए ने, वह भी काफ़ी गलत ने, जिस दी वजह से किसानों इस संघर्ष करना पै रहा है। इन्नी ठंड के बैठे ने, इन्नी गर्मी उन्होंने सामना करना पै रहा है, इन्नी चीज़ों का मैनू वधिया इस करके लगे भी वह अपना हक लेन लिये इतने आए। हुण जे देख लो आई किसान ने ये उगाणगे नहीं, कुछ उगेगा नहीं, फिर मोदी नूं खाण तो कित्थे मिलेगा, खाण नूं नहीं मिलेगा मरेगा ही ना। मैं थानूं एक बेनती करदी हां, तुसीं भी इस अंदोलन च आओ, चाहे एक दिन लई आओ, पर आओ ते इत्थे देखो किस तरह संघर्ष हो रहा है। किसानी संघर्ष की जदों असीं गल करदे हां तां बच्चे तो बजुर्ग किस हद तक जुड़े हुए ने ये तुसीं खुद देखते रहने हो, तो अज उही एक तस्वीर असी तुहाडे सामने लैके आ रहे हैं। एक बच्ची हाजरी लवा के आई है स्टेज तो, पहला तो तुसी दसो केड़ी क्लास दे विच पढ़दे हो, कित्थों दे रहण वाले हो? मैं 5th क्लास विच पढ़दी हाँ, मैं हैडो बेट तो आई हाँ, मैं मछवाड़े पिंड दे कोल है, लुधियाना मेरा जिला है। क्यों जरूरी समझा तुसी अज स्पीच भी बहुत दमदार दिती है, की प्रधानमंत्री साहब चंगे नहीं लगते? नहीं बस चंगे तो है गे, पर उन्होंने काम गलत ने, उन्होंने काफ़ी गलत कानून बनाए, हूँ उन्होंने कुछ नवे 3 कानून बनाए ने, वह भी काफ़ी गलत ने, जिस दी वजह से किसानों इस संघर्ष करना पै रहा है। उसने पिछली बार भी बहुत गलत कानून बनाए, ये सही नहीं है मोदी सरकार, ये गलत है। लगता कि इतने आके तुम जोड़े लोग बैठे हुए ने गर्मी के पेल ठंड च बैठे से, उन्होंने देख के किमें लग्या थोनू? वैसे तो मैं वधिया लग्या, पर दूसरी तरह देखी जाइए फिर अफसोस होंगे, क्योंकि उन्होंने इन्नी ठंड के बैठे ने, इन्नी गर्मी उन्होंने सामना करना पै रहा है, इन्नी चीज़ों का मैं वधिया इस करके लग्या भी वह अपना हक लेन लिये इतने आए हुए हैं। हुण की लगता है जिहड़ी सरकार है वह हक दे दूगी? 3 महीनों तो लंबा समा हो गया, बहुत दिन होर भी लग सकते, मन जूगी सरकार? लग रही मनेगी किद्दा नहीं जो उसनू वोट ही नहीं मिलेगी, जीतेगी किद्दा, मनेगी किद्दा नहीं जो सरकार मनेगी नहीं, जुत्तियां खाएगी लोगों तो। बस यही है, दस्यो जरूर तुहाडा नाम की है? मेरा नाम सहजप्रीत कौर है। बच्ची है 5वीं क्लास की विद्यार्थिन है, सारी गलबात सुन रहे हो, तुम दस्या भी तुहाडे बहुत सारे दादू दादियां इत्थे भी बैठे हुए ने, तुहाडियां दीदियां बैठिया हुई ने, आके मिलदे हो, तुसी गलबात करिए कदे उहनां नाल गल्लां करदे हो? हाँ जी, असीं लेडीज़ रूम विच रुके हुए हाँ, उत्थे कुछ दादीस ने, एक आंटी है वह भी उहनां नाल गलबात कीती है, वो एक आंटी है जिहड़े वो 3 महीनिया तो उरे रुके हुए ने, वो दादियां ने वह आंदे जांदे रहे ने उरे, भी वो 5 क दिन आंदे ने, 5 दिन जांदे ने, इदां रहिंदे ने उरे। कुल मिला के समझते तो यह है जी दुखी हो रहे ने किसान, सरकार कर रही है तो किसान दुखी ने, सरकार नू गल्ला मन लेनी चाहिए। हाँ जी, सरकार जे गल्ला मान लेगी ना बहुत वधिया होवेगा, अते मोदी नू अगली बार जब हुण इलेक्शन होएगा ना, मोदी जे विच खड़ेगा भी ना उहदे, उहनू जुत्तियां पैणियां ने, उहनू किसी ने एक बंदे ने भी मसोए वोट देनी है। अगर वड्डे होगे तुसी प्रधानमंत्री बन के फिर तुसी की करोगे? असी कुछ ना कुछ तो करांगे, पर मोदी वर्गा नहीं कुछ करना हैगा, असी चंगे काम करने हैं, क्योंकि असी सिख बंदे हाँ, असी कदे गलत काम नहीं करना हैगा, ये गलत काम करके मिलता भी की है आपां नूं? आपां ने जे ओह मोदी पैसे बड़े खांदा है, एकदम उन्हें पैसे खा लेने, पैसे एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाने हैं। हुण जे देख लो आए किसान ने ये उगाणगे नहीं, कुछ उगेगा नहीं, फिर मोदी नूं खाण तो कित्थे मिलेगा, खाण नूं नहीं मिलेगा मरेगा ही ना, उन्हां दी गल मन लेगा, मनेगा फिर भी, फिर तो मनेगा जे हुण मन लेगा, कहड़ा कोई कहर होण लग गया है, मन लेनी चाहिए। हाँ जी, तो इन्हां दे दादू भी नाल बैठे ने, दादा इन्हां दे नाल आए ने, बच्चे की कहिंदे ने जी असीं जाणा दिल्ली, स्टेज ते भी बोलण दा वक्त मिलदा, करे किवें दी गल? मैं हरेक 15 दिन इत्थे रहीदा, 15 दिन 5-4 दिन चले जाईदा, ते ये बच्चे कहिंदे हुण मैं आउणा तां 5 क दिन हो गया, ते इत्थे ते गए नूं, ते ये बच्चे हाँ जी जाके आउणा कहिंदे सी, हाँ जी ये कहिंदे वी असीं जाके आउणा, नाल जाणा, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸਟੇਜ ਪਰ।
ਅੱਛਾ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਆ ਵਾਲੇ 4 ਇਅਰਸ 올ਡ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਨ 'ਚ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਰੇ ਡਟਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਹਟਣਗੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਚਾਹੇ 100 ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਟਾਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਓ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਓ ਪਰ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ